चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। इसमें हम लोग कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक की सभी बुक्स आपकी कंप्लीट करवा दी गई हैं, जो आपके स्टेट पीसीएस हो फिर चाहे सिविल सर्विस हो, उनके लिए जरूरी है। उनकी पीडीएफ की बात करें तो टेलीग्राम पर डाल दी गई है आपकी पीडीएफ भी। बात कर रहे थे हम लोग कक्षा 11वीं की, जो आपकी राजनीतिक सिद्धांत है या पॉलिटिकल थ्योरी है, उसके हम लोग 8 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आज 9वां चैप्टर देखेंगे हम लोग, शांति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से चैप्टर है। वैसे तो इसके जितने भी चैप्टर अभी तक किए गए हम लोगों द्वारा खत्म, सभी आपके महत्वपूर्ण हैं। आपकी स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विस या जो कक्षा 11वीं में पढ़ता होगा उन्हीं के लिए नहीं है। अगर आप एक व्यक्ति हैं और आत्मसम्मान रखते हैं और अपने आप को इंसान समझते हैं, तो मुझे लगता है इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अपने अधिकार के बारे में मालूम होना चाहिए, अपने देश के बारे में मालूम होना चाहिए आप लोगों को। और एक बात और, आप देखते होंगे शांति के लिए दुनिया भर एक तरह से परेशान है। आप में से भी कई लोग कहते रहते हैं कि मुझे शांति नहीं मिल रही, मेरा मन भटकता रहता है। ऐसा कोई बटन होना चाहिए यार, स्विच कर दें तो मन बंद हो जाए और स्विच ऑफ ऑन कर दें तो वो चालू हो जाए। तो देखिए, मन को हम रोक नहीं सकते, मन हमेशा भटकता रहेगा। देखिए, एक लेकिन एक काम कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं? योगा करिए, कुछ करिए, मन आपका कंट्रोल कभी नहीं हो सकता है। और मन तो आप एक तरह से कहिए, आपकी जब सांसें थम जाएंगी तभी आपका मन कंट्रोल हो सकता है, लेकिन आप दूसरी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। जैसे आप लेटे हुए हैं, कहीं आपका दिमाग दूसरी जगह जा रहा है मन, तो आप उसे ले आके अपनी पढ़ाई में ला सकते हैं। आप कोई वीडियो देखने लगी, क्लास ले लीजिए, उसमें आप लगा लीजिए, तो ऐसा कर सकते हैं। और आप लोगों से ही पूछता हूं मैं, शांति की उम्मीद कहाँ कर सकते हैं? आपका परिवार की बात करें, फिर चाहे देश की बात करें, फिर चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, शांति के लिए मेन आधार यानी कि मुख्य आधार क्या हो सकते हैं? और वैसे भी आप जानते हैं कि शांति के बिना इस जीवन का कोई आधार नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। अशांति फैली हुई है तो वहां क्या करोगे आप लोग? क्या पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान में आप रहना पसंद करेंगे? सीरिया में रहना पसंद करेंगे? मालूम चला कि आप घर से बाहर जा रहे हो, बस जा रहे हैं, लौट के ना आए, तो आप परिवार में भी देखते होंगे कि वहीं शांति देखने को मिलती है, जहां आपको बोलने की स्वतंत्रता हो, खाने की स्वतंत्रता हो, एक तरह से आपके साथ पक्षपात ना किया जाता हो, आपको भी वही एक तरह से सुविधाएं दी जाती हो जो आपके भाई या बहन को दी जाती हो। समझ रहे हैं? तो यही आपको देखने को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, कि आपका वैश्विक शांति सूचकांक, ये ऐसे ही आप देखिए, कुछ देश ऐसे हैं जो इनमें टॉप रहते हैं, वहां शांति भी आपको देखने को मिलेगी। और शांति इन्हीं पर निर्भर करती है। जैसे आप सोचिए वैश्विक शांति सूचकांक में, फिर चाहे विश्व प्रेस सूचकांक हो, विश्व प्रसन्नता हो, भ्रष्टाचार बोध हो सूचकांक, लोकतंत्र की बात करें लोकतंत्र सूचकांक, फिर चाहे आपका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, इन सभी में आप देखेंगे कि ये कुछ खास देश हैं, जैसे स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड, फिर चाहे आपका न्यूजीलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सभी टॉप पर आपको देखने को मिलेगी। और यही आपको सबसे ज्यादा शांति देखने को मिलेगी, मानव की यानी कि व्यक्तियों की अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी, शिक्षा की, स्वास्थ्य की सब व्यवस्थाएं यहाँ देखने को मिलेगी आपको। अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमें कभी पाकिस्तान के साथ खड़ा कर दिया जाता है, कभी हम देखेंगे भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनसे हमारी तुलना की जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपकी क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं तो आप नीचे से टॉप करते हैं, और ये बाकी के देश क्या कर रहे हैं? ऊपर से टॉप कर रहे हैं। आपकी स्थिति ये है। और आप देखिए लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? आपको बोलने का स्वतंत्रता हो, वोट देने की स्वतंत्रता हो, आने जाने की स्वतंत्रता दी गई हो, अगर इसमें कोई हस्तक्षेप करता है तो आप क्या खुश रह पाएंगे? आप परिवार में भी देख लीजिए, आप लोग, आपकी कोई बात ना मानता हो, आपसे भेदभाव करता हो, आपसे आप पर एक तरह से हर तरह से अंकुश लगाया जाए, तो क्या आप वहां शांति पा सकते हैं या खुश रह सकते हैं? तो जब भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं या कभी प्रीलिम्स में इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग कॉमन फैक्ट भी देख लिया करिए, कॉमन कुछ रहते हैं कि जैसे शांति के लिए अगर पूछ रहा है क्वेश्चन कि किन आधारों पर एक तरह से तैयार किया जाता है इसे, तो आप कुछ सोचिए कि मतलब कौन कौन से फैक्ट होना चाहिए जो शांति के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए और विस्तार से जान लेते हैं इसमें। युद्ध, आतंकवादी हमलों और गुटिये दंगों पर चीखती अखबारें लपेटें हमें निरंतर याद दिलाती हैं कि हम अशांत समय में रहते हैं। वास्तविक शांति की दुसाध्य बने रहने की सूरत में यह शब्द अपने में काफी लोकप्रिय हो गया है। यह राजनेताओं, पत्रकारों, उद्योगपतियों और शिक्षा शास्त्रियों, सेनाधिकारियों के ओंठों से झरने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसका हवाला भी पाठ्यपुस्तकों, संविधानों और घोषणा पत्रों, समझौतों समेत
अनेक तरह के दस्तावेजों में प्यार से सजोए गए आदर्श मूल्य के रूप में दिया गया है। हमारे भारत को आप देखते हैं कि शांति प्रिय देश कहा जाता है, समझ रहे हैं? लेकिन अभी आपको दूर दूर तक इस तरह की शांति देखने को नहीं मिलेगी। लोकतंत्र की स्थिति में देख लीजिए, फिर चाहे कोई भी सूचकांक आता हो, हम लोग टॉप से नीचे से टॉप करते हैं। हम किसी को शांति का आह्वान और अनुसरण करने की बात करते देखने से हमें लग सकता है कि इस अवधारणा को और स्पष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। शांति के विचार के प्रति दिखने वाली सहमति अपेक्षाकृत हाल फिलहाल की ही बात है। साल दर साल शांति का अर्थ और महत्व काफी अंतर के साथ आंका गया है। और आप लोगों को एक और बात देखने को मिलेगी, पाकिस्तान की स्थिति देखिए, फिर चाहे अफगानिस्तान की देखिए, लीबिया की देख लीजिए, लेबनान की, ईरान, सऊदी अरब, यहाँ आपको देखने को मिलेगी। अगर भेदभाव होता है तो इनकी स्थिति नीचे देखने को मिलेगी आपको, समझ रहे? सीरिया, इनकी एक तरह से आप सोचिए ना, यहाँ मालूम ही नहीं रहता है कि कब क्या हो जाए, कब कौन सा बम फट जाए, कहाँ फट जाए। तो ऐसी अगर हमारे देश में स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि शांत रहने की छोड़िए, हम लोग यही डर सताया रहेगा कि कब लटक जाए पता नहीं। शांति के समर्थकों को कई सवालों का सामना भी करना पड़ता है। शांति का अर्थ क्या है? आखिर मतलब क्या है शांति का? आज की दुनिया में यह इतनी कमजोर क्यों हो गई है? शांति स्थापित करने के लिए क्या किया जा सकता है, और क्या शांति स्थापित करने के लिए हम अहिंसा का उपयोग कर सकते हैं? हमारे समाज में हिंसा बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या है? इस अध्याय में नहीं, ये सवालों के विस्तार से बात भी करेंगे और इनके जवाब ढूंढने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं भूमिका। लोकतंत्र, न्याय और मानव अधिकारों की तरह शांति का जुमला भी एक तकिया कलाम बन गया है। लेकिन हमें निश्चित ही याद रखना चाहिए कि शांति की वांछनीयता को लेकर यह ऊपरी आम सहमति अपेक्षाकृत हाल फिलहाल की घटना है। आप सोचिए, अगर आपको मौलिक अधिकार ना दिए जाते तो क्या आप सही खुश रह सकते थे? एक तरह से आप प्रसन्न रह सकते थे? आपको शांति मिलती? कभी नहीं। आप देखते हैं कि आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं और आप देखते हैं मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। ये अलग बात है कि आप अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति तो जागरूक रहते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों के प्रति तो जागरूक रहते हैं, मौलिक कर्तव्यों के प्रति दूर दूर तक आपका उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। जब भी आप लोग आंदोलन करते हैं तो उसे सरकारी संपत्ति को जलाने लगते हैं, देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। लेकिन आपको अधिकारों की सुरक्षा जरूर दी गई है। आर्टिकल 32 के तहत अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपकी सुरक्षा करेगा, समझ रहे हैं? तो कम से कम आप सोचिए, अगर आपको अधिकार भी दे दिए गए होते और ये सुरक्षा का कोई उपाय ना किया गया होता, तब भी आपको कोई मतलब ना रहता अधिकारों का। अतीत के अनेक महत्वपूर्ण चिंतकों ने शांति के बारे में नकारात्मक ढंग से लिखा है। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्से युद्ध को महिमा मंडित करने वाला विचारक था। नीत्से ने शांति को महत्व नहीं दिया है, क्योंकि उनका मानना था कि सिर्फ संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसी तरह अन्य अनेक विचारकों ने शांति को बेकार बताया है और संघर्ष की प्रशंसा व्यक्तिगत बहादुरी और सामाजिक जीवंतता के भाग के तौर पर की है। इटली के समाज सिद्धांतकार विल्फेडो पेरेटो, इनका जीवन काल रहा है 1848 से 1923 का। इनका दावा क्या था कि अधिकतर समाजों में शासक वर्ग का निर्माण सक्षम और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार लोगों से होता है। उसने ऐसे लोगों का वर्णन शेर के रूप में किया है। और एक बात और आपको बताऊं, ऐसा भी नहीं है कि जहां लोकतंत्र हो वहां शांति हो, ये भी जरूरी नहीं है। कई देश आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जहां लोकतंत्र की बात की जाती है लेकिन अशांति आपको देखने को मिलेगी। अगर आप सोचिए कि आपके आपका राजा है, मान लीजिए, तो राजा अगर अपना धर्म निभाता है, प्रजा का दुख सुख की बात करता है, सुख में सुख देने की बात करता है, अशोक की ले लीजिए आप लोग, फिर चाहे अकबर की ले लीजिए आप लोग, तो आप समझिए राजा होते हुए भी उन्होंने प्रजा का ध्यान रखा है, और मुझे लगता है लोकतंत्र से बेहतर रखा है उन्होंने। उसे आप राजतंत्र कह लीजिए भली, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि जनता कहीं दुखी थी, समझ रहे? इसका मतलब यह है, जान जताना नहीं है कि शांति के सिद्धांत का कोई पक्ष धर नहीं है। इसे तकरीबन सभी धार्मिक उपदेशों में केंद्रीय स्थान प्राप्त है। आधुनिक काल भी लौकिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में शांति के प्रबल पैरोकारों का साक्षी रहा है। महात्मा गांधी इनमें प्रमुख स्थान है। हालांकि शांति के प्रति समकालीन आग्रह के निशान 20वीं सदी के अत्याचारों में देखे जा सकते हैं। इन अत्याचारों के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की मौत हुई, और इनमें से कुछ घटनाओं के बारे में आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा होगा, जैसे कि फासीवाद हो गया, नाजीवाद का उदय, या फिर विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध
आप देखते हैं कि 1914 से 1918 तक चलता है। इसमें आपने देखा है किस तरह से मार काट की गई है, लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोगों की जान गई। अपने आस पड़ोस में भारत पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश के रूप में देश विभाजन की त्रासदी का अनुभव हमने किया है। देखिए 1971 में आप जानते हैं कि बांग्लादेश एक नया देश बना, उस समय भी आपने देखा है किस तरह से भेदभाव किया गया, लाखों लोग शरणार्थी बन के हमारे देश में भी आए हुए थे, समझ रहे हैं। उपयुक्त विपदाओं में अभूतपूर्व पैमाने पर तबाही फैलाने में उन्नत तकनीक का प्रयोग भी शामिल रहा है। इस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने लंदन पर घनघोर बमबारी की और प्रतिक्रिया में अंग्रेजों ने 1000 बम बरसकों को जर्मनी के नगरों पर हमला करने भेजा। ये युद्ध का अंत अमेरिका द्वारा जापानी नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अड़ू बम गिराने से हुआ। इन दो हमलों में कम से कम आप देखेंगे 1,20,000 लोग तुरंत मारे गए और उससे भी कहीं अधिक लोग आणविक विकिरण के प्रभाव से मरे। करीब 95% मृतक आम नागरिक थे। आप समझिए कि आपको मालूम ना हो कि कब बम बरसने लगे, कब कहीं बम फट जाए, तो वहां आप दूर दूर तक भी एक तरह से नहीं देख सकते हैं कि शांति आपको देखने को मिली। जापान में भी तो अभी भी प्रभाव देखा जा सकता है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात हो रही है, 1945 की बात की जा रही है। उसी के साथ आप देखिए जापान पर जब परमाणु बम गिराए गए उसी के साथ खत्म हो गया था दूसरा युद्ध, विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ आपका, 1945 में जाके खत्म हो गया। युद्ध के बाद के दशकों में दुनिया में अपनी सर्वोच्चता कायम करने के लिए दो महाशक्तियों पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच प्रचंड वित्तीय स्पर्धा का दौर चला। यहाँ एक बात और याद रखिए, पूंजीवादी और साम्यवादी में सीधा सा अंतर एक शब्द में, अगर दो शब्द में आपको कहना पड़े तो पूंजीवादी का मतलब ये होता है कि इसमें लाभ पर ध्यान ज्यादा दिया जाता है और मानव कल्याण पर कम ध्यान दिया जाता है। साम्यवादी की बात करें तो यहाँ मानव कल्याण पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और एक तरह से मानव पूंजीवादी पर कम ध्यान दिया जाता है, लाभ पर कम ध्यान दिया जाता है। आप समझिए एक प्राइवेट बस है और एक सरकारी बस है, तो प्राइवेट बस क्या करेगी, वो आप सोचेगी कि हमें लाभ से अधिक लाभ हो जो प्राइवेट चला रहा होगा, जो भी बिजनेसमैन होगा। और सरकार अगर सरकारी बस चला रही होगी तो उसका ध्यान रहेगा कि सबको सुविधा मिले बस की, इसीलिए कम सस्ता किराया रखा जाएगा उसके द्वारा। इसी का आप देखते हैं कि पूंजीकरण जब भी बात होती है तो उसका विरोध होने लगता है, समझ रहे, निजीकरण का भी विरोध होने लगता है। इससे क्या रहता है कि उसकी जो भी लागत होती है वो बढ़ जाती है और जो भी निचले लोग होते हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी खराब होती है, वो इन सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। चूंकि परमाणविक हथियार शक्ति के नए प्रतीक बन गए थे, इसलिए दोनों ने उनका बड़े पैमाने पर निर्माण और संचय शुरू किया। बढ़ती हुई सैनिक प्रतिद्वंदिता ने में 1962 का क्यूबाई मिसाइल संकट एक उल्लेखनीय आशुभ प्रसंग है। इसका आरंभ तब हुआ जब अमेरिकी जासूसी विमानों ने अपने पड़ोसी देश क्यूबा में सोवियत संघ के आणविक मिसाइल खोज निकाले। प्रतिक्रिया में अमेरिका ने क्यूबा की समुद्री सीमाओं की नाकेबंदी कर दी और सोवियत रूस को धमकी दी कि यदि मैं ये मिसाइल नहीं हटाए गए तो वह उसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई करेगा। आमने सामने का यह टकराव तभी समाप्त हुआ जब सोवियत संघ ने अपने मिसाइल हटा लिए और 2 सप्ताह तक इस संकट में ने मानवता को संपूर्ण तबाही के कागार पर खड़ा कर दिया है। और याद रखिए जब भी कहीं देश होता है तो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई होता है तो आम जनता, समझ रहे हैं आप लोग, सबसे ज्यादा यही प्रभावित रहते हैं। अभी जम्मू कश्मीर का आप लोग मामला ले लीजिए, जम्मू कश्मीर में आप सोचिए इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, आप किसी से बात नहीं कर सकते थे, कई जगह नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो आप सोचिए ऐसी जिंदगी का क्या मतलब रहता होगा कि आपका अगर कोई रिश्ते में कोई बाहर रहता है तो आप उससे बात भी नहीं कर सकते, उसके हाल भी नहीं ले सकते हैं। ये तो पुराने जमाने का टाइम आ गया कि जब आपके पास मोबाइल नहीं था, आप किसी से बात नहीं कर सकते थे। चलिए उस समय तो ये था कि चिट्ठी भेज दी आप लोगों ने तो पहुंच गई, यहां तो वो भी सुविधा बंद कर दी गई। इदिता मॉरिस के उपन्यास हिरोशिमा के फूल को पढ़िए, इसमें गौर कीजिए कि परमाणु बम का इस्तेमाल किस तरह से लंबे समय तक विभीषिका पैदा करती है, यानी कि इसका प्रभाव बहुत बाद तक भी देखा जाता है। और याद रखिए दो महाशक्तियों में तब तक चला जब तक 1990-91 में सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया और रूस अलग नहीं हो गया, तब तक इन दोनों में एक तरह से शीत युद्ध चलता रहा है। अभी आप देखते होंगे कि शीत युद्ध 2.0 यानी कि 2.0 की बात की जा रही है, द्वितीय शीत युद्ध की, एक चाइना और अमेरिका के बीच किस तरह से आपने देखा है एक दूसरे के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, टैक्स लगाए जा रहे हैं। अगर लोग आज शांति का गुणगान करते हैं तो महज इसलिए नहीं कि वे इसे
अच्छा विचार मानते हैं। शांति की अनुपस्थिति की भारी कीमत चुकाने के बाद मानवता ने इसका महत्व पहचाना है। त्रासद संघर्षों के प्रेत हमें लगातार कचोटते रहते हैं। आज जीवन अतीत की किसी भी समय से कहीं अधिक असुरक्षित है, क्योंकि हर जगह के लोग आतंकवाद के बढ़ते खतरों का सामना कर रहे हैं। शांति लगातार बहुमूल्य इसलिए भी बनी हुई है कि इस पर खतरे का साया हमेशा मौजूद है। आप समझिए कि हमारे देश में काफी अच्छी स्थिति कह सकते हैं आप लोग, कोई ज्यादा खास भी नहीं, सही भी नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है स्थिति कि हम ना निकल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, हमें डर भी नहीं रहता है कि कहीं हमारे आसपास बम ना पड़ जाए। और यही स्थिति आप अफगानिस्तान चले जाइए तो आपके आपके परिवार को हमेशा, परिवार के मेंबर हमेशा आपको 10 बार फोन जरूर लगा लेंगे घर से निकलते वक्त, दिन में 10-50 बार फोन लगा लेंगे कि आप सुरक्षित हैं या नहीं है, तो ये देखा जाता है। और याद रखिए, इससे शांति के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ी। अब आप लोगों को शायद इसकी, वो कहते हैं ना कि आसानी से मिला हुआ उसकी कोई हमारे नजर में इज्जत सम्मान नहीं होता है उसका। आप सोचिए, हमें जो अधिकार दिए गए, हमें आजादी दी गई, इसके लिए कितने लोगों ने अपनी शहीद हुए, जिनकी आप सोचिए कि खाने खेलने की उम्र थी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वो आपके लिए शहीद हो गए। उनकी छोड़िए, बहुत दूर की बात है। आज आप देखिए अन्ना हजारे साहब को देखिए, आपको स्वतंत्र सूचना का अधिकार, लोकपाल, उन्होंने कई दिनों तक एक तरह से आंदोलन किया, भूख हड़ताल की। सबसे शर्म वाली बात कहते हैं कि उसी दिन हो चुकी थी जब आपके अधिकारों के लिए एक मतलब बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति लड़ रहा था जिसकी आराम करने की उम्र थी, और हम लोग तमाशा जाकर देख रहे थे। अब बात करते हैं शांति का अर्थ। शांति की परिभाषा अक्सर युद्ध की अनुपस्थिति के रूप में की जाती है। यह परिभाषा सरल हो तो, सरल तो है पर भ्रामक भी है, यानी कि शांति युद्ध ना हो, इस तरह की लड़ाई ना हो, वहां शांति की बात की जाती है। सामान्य रूप से हम युद्ध के को देशों के बीच हथियारबंद संघर्ष समझते हैं। हालांकि रवांडा या बोस्निया में जो हुआ है उस तरह का, वह इस तरह का युद्ध नहीं था, लेकिन यह एक प्रकार से शांति का उल्लंघन या फिर स्थगन तो था ही। हालांकि प्रत्येक युद्ध शांति के अभाव की ओर जाता है, लेकिन शांति का हर अभाव युद्ध का रूप ले, यह जरूरी भी नहीं है। जरूर किसी पिछड़े हुए देश का है, उसने रोजगार, शिक्षा, मकान की बात की और अणु बम के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। शांति की परिभाषा करने में दूसरा कदम होगा कि से युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल या सामान्य शारीरिक प्रहार समेत सभी प्रकार के हिंसक संघर्षों के अभाव के रूप में देखना है। यह परिभाषा स्पष्ट ही पहले से बेहतर है। आप लोग खुद सोच के देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इनमें एनसीईआरटी में आपको कोई ऐसा शब्द मिलेगा जिसे समझाने की जरूरत पड़ेगी। अब शांति की बात आप कहिए तो आपके मन में विचार आने लगेंगे कि जहां दंगा फसाद ना हो, युद्ध ना चलते हो, नरसंहार ना चल रहा हो, कत्ल ना चल रहा हो, सामान्य स्थिति बनी हुई हो, सबको खाने का अधिकार हो, एक तरह से बोलने का अधिकार हो, तब आप शांति की कल्पना भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं? लेकिन यह भी हमें बहुत दूर नहीं ले जा सकती है। हिंसा प्रया समाज की मूल संरचना में ही रची बसी है। ऐसी सामाजिक संस्थाएं और प्रथाएं जो जाति, वर्ग या फिर लिंग के आधार पर असमानता की खाइयों को और गहरा करती हैं, किसी की क्षति सूक्ष्म और अपकट तरीके से भी कर सकती है। जाति, वर्ग या लिंग पर आधारित इस स्तरीकरण को अगर शोषित वर्गों की ओर से कोई भी चुनौती मिलती है तो इससे भी संघर्ष और हिंसा पैदा हो सकती है। इस तरह की संरचनात्मक हिंसा के बड़े पैमाने पर दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। हम वैसे ही हिंसा से उत्पन्न ठोस उदाहरणों को की ओर देख सकते हैं, जैसे जाति भेद, वर्ग भेद, पितृसत्ता, उपनिवेशवाद, नस्लवाद और सांप्रदायिकता, ये सभी आपको अपने देश में देखने को मिल जाएंगे। और मुझे लगता है कि यही कारण रहा है कि हम लोग पीछे हैं। आपके यहाँ देखते होंगे एक जाति का दूसरे जाति से लड़ते रहना, पितृसत्ता का मतलब है कि पिता के बाद पुत्र को महत्व देना। आपने देखा होगा अभी केरल, सबरीमाला मंदिर, केरल विवाद देखा होगा, उसमें महिलाओं को एक तरह से जाने की अनुमति नहीं थी। मुस्लिमों में भी एक आपको भेदभाव देखने को मिलेगा, कोई भी धर्म उठा के देख लीजिए आप लोग। सबसे हंसी यानी कि हंसने का मतलब, यानी कि कहने का मतलब तब है, समझिए आप लोग, कि वहां के पंडित जी जो एक तरह से धर्म गुरु होते हैं, वो कह रहे हैं कि महिलाओं को आने की अनुमति नहीं है क्योंकि अछूत है वो। लेकिन जो तुम उनसे पैदा हुए, तुम शुद्ध हो, वो अछूत हो चुकी है, समझ रहे हैं? मतलब जिन्होंने हमें जन्म दिया वो एक तरह से अछूत उन्हें ठहराया जा रहा है। लेकिन आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के तहत आपके न्यायालय ने उसमें फैसला भी दिया है, और उस सही बात भी है मुझे लगता है। अब बात करते हैं संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप के बारे में। परंपरागत जाति व्यवस्था कुछ खास समूहों के लोगों को आश्वस्त मानकर बर्ताव करती है। आजाद भारत के संविधान द्वारा गैर कानूनी करार दिए जाने तक छुआछूत के प्रचलन ने उन्हें सामाजिक बहिष्कार और अत्यधिक वंचना का शिकार बना रखा था।
भयावह रीति रिवाजों के बे इन जख्मों से उबरने उबरने के लिए देश अभी तक संघर्ष कर रहा है। हालांकि वर्ग आधारित सामाजिक व्यवस्था अधिक लचीली दिखती है, लेकिन इसने भी काफी असमानता और उत्पीड़न को जन्म दिया है। विकासशील देशों की अधिकांश कामकाजी आबादी असंगठित क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें मेहनताना और काम की दशा बहुत खराब है। विकसित देशों में भी निम्न वर्गीय लोगों की अच्छी खासी आबादी मौजूद है। इसमें आप देखने को मिलेगा कि आप सोचिए कि 1947 में हम भले ही आजाद हो चुके थे, हमें अंग्रेजों से एक तरह से मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन हमारे यहाँ जो निम्न जाति थी, या आप कहिए कि जो छूटे हुए थे, एक आप सोचिए कि विचारधारा से, मतलब एक मैनधार स्ट्रेन से दूर थे, उनको आजादी की प्रक्रिया तब शुरू हो चुकी थी। आप सोचिए, जाति एक तरह से आप कहिए दलितों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा था, उन्हें अधिकार मिलने चाहिए थे, महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए थे, लेकिन आपने देखा है कि इनके लिए मौलिक अधिकार दिए गए, कानून भी लाए गए। आप देखते हैं कि 1955 में कानून लाया गया इन्हीं को खत्म करने के लिए एक तरह से। आप सोचिए 1989 में भी लाया गया, 1993 में भी लाया गया, और ये एक्ट आप देखते थे कि कुछ समय पहले एबीपीएससी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, और इन्हें आप पढ़ लेते थे तो 15 से 20 क्वेश्चन, कभी कभी 22 क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर देते थे, 100 में से एक बहुत खासी मात्रा रहती थी। लेकिन अभी पिछले साल इसका सिलेबस चेंज हुआ और इसे बदल दिया गया है। अब क्या आता है, अभी पेपर हुआ नहीं है तो उसे देखते रहिए आप लोग, लेकिन हाँ, एक दो क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि एसटीएससी को एसटी ज्यादा देखने को मिलेगी आपको, तो इससे क्वेश्चन आते रहेंगे डायरेक्ट आपके, ठीक है। और अब असंगठित कहने का मतलब है कि आप सोचिए कि एक प्राइवेट नौकरी, यानी कि आप दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो आप देखने को मिलेगा कि कई लोगों को मैं देखता हूँ कि 2 से 3 हजार रुपये में महीना काम करते हैं, और आप देखते हैं सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, वो सुबह 7-8 बजे दुकान पर जाएंगे और रात में 9-10 बजे लौट के आएंगे, उन्हें बहुत से बहुत 5 से 6 हजार रुपये दिए जाते हैं। ये भी एक तरह से बहुत खराब स्थिति देखने को मिलेगी आप लोग। पितृसत्ता के आधार पर जिन सामाजिक संगठनों का निर्माण होता है, उनकी परिणति स्त्रियों को व्यवस्थित रूप से अधीन बनाने और उनके साथ भेदभाव करने में होती है, और इसकी अभिव्यक्ति कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों को अपर्याप्त पोषण और शिक्षा न देना, बाल विवाह और पत्नी को पीटना, दहेज से संबंधित अपराध, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार, घर की इज्जत के नाम पर हत्याएं होना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न बाल लिंग अनुपात, यानी कि 0 से 6 वर्ष की, प्रति 1000 पुरुषों पर 919 स्त्रियां थी, पित्त सत्तात्मक विध्वंस का मरम स्पर्शी सूचक है। कहने का मतलब है कि आप सोचिए कि 1000 पुरुषों पर 919 स्त्रियां थी, इतना भेदभाव आपको लिंग अनुपात में देखने को मिलेगा। एक और आप याद रखिए, आप केरल जाइए, केरल में आपको शिक्षा की व्यवस्था देखने को मिलेगी, स्वास्थ्य देखने को मिलेगा, महिलाओं की स्थिति भी अच्छी देखने को मिलेगी, लिंग अनुपात भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इसका मेन कारण यही है कि जहां आपको शिक्षा देखने को मिलेगी, और शिक्षा एक ऐसा एक तरह से मंत्र है जो सभी इन समस्याओं को खत्म कर देता है। आप सोचिए आज कहां लड़कियां पिछड़ी हुई हैं, आप अपने ही क्षेत्र में देख लीजिए, आपसे बराबरी कर रही है, और कहीं कहीं तो आप देखेंगे महिलाएं मतलब पुरुषों से भी आगे निकल चुकी हैं। तो यहां भी आप भेदभाव कोई नहीं कर सकते हैं, ये अलग, कोई मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई भेदभाव होना चाहिए। और अभी कभी आप देखते हैं आरक्षण की बात उठती है तो आप आवाज उठाने लगते हैं, वहां पहले उन्हें बराबरी का स्थान तो दीजिए, उसके बाद आप कहिए कि आरक्षण गलत है। अब आप देखते हैं परिवार में ही भी देखते हैं आप लोग कि आपका आपकी सिस्टर और आप हैं, तो आपको पिताजी कहीं भी भेज देते हैं पढ़ने के लिए, और सिस्टर की बात आती है बारी तो वो कहते हैं घर में ही रहने दीजिए, यहीं आसपास पढ़ाइए। तब कहां हम लोग खाई को खत्म कर सकते हैं। और ये संगठन ऐसे रहते हैं कि आप सोचिए कि इस संगठन को खुद जिसने बनाया उसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं। वही बात हो गई कि वो पर्यावरण को बचाने की बात की जा रही है, आप सोचिए कि पर्यावरण ने हमें बचा के रखा हुआ है, आज ये नौबत आ चुकी है कि हमें पर्यावरण बचाने की बात करनी पड़ रही है, बेटी बचाओ बात करने लगी, यानी कि जिस बेटी ने मतलब जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसे बचाने की बात की जा रही है, यहां तक हम लोग गिर चुके हैं, ठीक है। और याद रखिए हमारे मतलब, आप सोचिए कि ठीक है भेदभाव होता रहा, 21वीं सदी में आ चुके हैं, बहुत हद तक खत्म कर देना चाहिए था हमें। अब ऐसा ऐसा होना लगभग असंभव है कि उपनिवेशवाद विदेशी शासन के रूप में लोगों पर प्रत्यक्ष लंबे समय के लिए गुलामी थोपते हैं, पर इजरायली प्रभुत्व के खिलाफ चालू फिलिस्तीनी संघर्ष दिखाता है कि इसका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा यूरोपीय उपनिवेशवादी देशों के पूर्ववर्ती उपनिवेशों को अभी भी बहुआयामी शोषण के उन प्रभावों से पूरी तरह उबारना उबारना शेष है जिन्हें उन्होंने औपनिवेशिक काल में झेला है।
कहने का मतलब है कि हमारे ये देखते हैं कि हम लोग 1200 साल तक करीब विदेशों ने मतलब इन्होंने अंग्रेजों ने शासन किया एक तरह से हमारे ऊपर, हमें किस तरह से परेशान किया आप समझ सकते हैं, समझ रहे, उसी की बात कर रहे हैं। रंगभेद और सांप्रदायिकता में एक समुचे नस्लगत समूह या समुदाय पर लाछन लगाना और उनका दमन करना शामिल होता है। हालांकि मानवता को विभिन्न नस्लों के आधार पर विभाजित कर सकने की अवधारणा वैज्ञानिक रूप से अप्रमाणित है, लेकिन कई बार इसका उपयोग मानव विरोधी कुकृत्यों को जायज ठहराने में भी किया जा रहा है। 1865 तक अमेरिका में आश्रित लोगों को गुलाम बनाने की प्रथा, हिटलर के समय जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम, या फिर दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार की 1992 तक अपनी बहुसंख्यकों आश्रित आबादी के साथ द्वयम दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार करने वाली रंगभेद की नीति इसके उदाहरण है। पश्चिमी देशों में नस्ल भेदभाव गोपनीय तौर पर अभी भी जारी है। अब इसका प्रयोग प्राय एशिया अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के विभिन्न देशों के प्रवासियों के खिलाफ होता है। सांप्रदायिकता को नस्लवाद का दक्षिण एशियाई प्रतिरूप माना जा सकता है, जहां शिकार अल्पसंख्यक धार्मिक समूह होते हैं। अल्पसंख्यक कहने का मतलब है कि जिनकी आबादी दूसरी आबादी की तुलना में बहुत कम हो। अमेरिका में तो अभी कुछ ही दिन पहले आपने न्यूज में देखा होगा कि एक व्यक्ति के साथ किस तरह से मारपीट की गई, उसे मार दिया गया। तो अभी भी इस तरह का भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, उसी तरह से आपको नेल्सन मंडेला अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका में। इस तरह आप सोचिए कि खाने के लिए रेस्टोरेंट अलग अलग हुआ करते थे, बस में जा रहे हैं तो सीट अलग अलग हुआ करती थी, इलाज के लिए आपके लिए हॉस्पिटल अलग हुआ करती थी, रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था हुआ करती थी। क्या वहां भी आप लोग शांति की उम्मीद कर सकते हैं या शांति की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं, भी देख लीजिए। निम्न में से किस विचार से आप सहमत हैं और क्यों? सभी दुष्कर्म मन के कारण उपजते हैं। यदि मन रूपांतरित हो जाए तो क्या दुष्कर्म बने रह सकते हैं? गौतम बुद्ध की बात, गौतम बुद्ध साहब कह रहे हैं, मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि जब यह कोई अच्छा कार्य करती है, करती प्रतीत होती है, तब अच्छाई अस्थायी होती है, जबकि इससे जो बुराई होती है वह स्थायी होती है। महात्मा गांधी साहब ने कहा, हम वैसे ही जिनकी आंखें हमेशा दुश्मन की तलाश में हो, हम शांति को नए नए युद्धों का साधन मानकर उसे प्रेम करें और छोटी शांति को लंबी शांति से अधिक प्रेम करें। मैं तुम्हें काम करने की नहीं जीतने की सलाह देता हूँ। तुम्हारा काम एक युद्ध हो, तुम्हारी शांति एक विजय हो। ये कहा है फ्रेडरिक नीत्स। जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं आप लोग, तो इस तरह के फैक्ट भी आप लोग डाल सकते हैं, जो भी वक्तव्य रहते हैं आप लोग डाल सकते हैं। अब जैसे पर्यावरण पर अगर कोई क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, तो आप महात्मा गांधी का एक आपने देखा हुआ बहुत चर्चित एक तरह से वक्तव्य है कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन इतने हैं, पर्यावरण मतलब हमारे लिए सुविधाओं दे सकता है और पर्याप्त साधन हमारी प्राकृतिक हैं, लेकिन ये सभी की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई एक लालची व्यक्ति पैदा हो जाता है तो उसकी हमेशा कमी बनी रहेगी। मान लीजिए आपके पास एक घर है, आपके पास एक कार है, आपके पास एक गाड़ी है, सब कुछ आपके पास व्यवस्था है, आप शांति से जिए ले और आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन जब आप लालच बढ़ा लेते हैं कि नहीं मुझे एक से दो घर चाहिए, दो गाड़ियां चाहिए, चार गाड़ियां, तब आप एक तरह से आपके लिए कम भी पड़ जाएगी, समझ रहे हो? और यही देखा गया है पर्यावरण के साथ या प्राकृतिक संसाधनों के साथ। हमने देखा कि हमारे आप गांव की तरफ देखते थे, बहुत पेड़ लगे रहते थे, जंगल खड़े रहते थे, आप स्कूल जाते थे तब भी आपने देखा होगा, लेकिन आज आपको वहां दूर दूर तक कोई इस तरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। व्यक्ति ने क्या किया, एक खेत जोत लिया, फिर उसके बाद दूसरा खेत, फिर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। मैंने देखा है कि जब खेत की एक मैड होती है, बीच में जैसे एक खेत आपका हो गया, फिर दूसरा दूसरे का खेत है, तो उसमें एक पूरा ट्रैक्टर चला जाता था, और आज के आप समय देखिए आप लोग कि चलने के लिए भी रास्ता नहीं है वहां, फिर भी व्यक्ति की एक तरह से इच्छा पूरी नहीं हो रही है, जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। देखिए मुझे लगता है ऐसा, आपका तो पता नहीं, कि अगर आपको शांत रहना है और खुश रहना है तो अपनी सीमित मतलब एक तरह से आपके पास जो उपलब्ध है उसी में खुश रहना सीखिए। लालच सबसे बड़ा दुख का कारण भी है। 10 रुपये हैं तो 10 रुपये आप लोग मतलब उसी में जीना सीखिए ना। आप क्या कर भी तो नहीं सकते हैं कुछ, आगे जो भी रहे आप लोग करिए। फिर हिंसा का शिकार व्यक्ति जिन मनोवैज्ञानिक और भौतिक नुकसानों से गुजरता है, वे उसके भीतर शिकायतों को पैदा करती हैं। ये शिकायतें पीढ़ियों तक कायम रहती हैं। ऐसे समूह कभी कभी किसी घटना या टिप्पणी से भी उत्तेजित होकर संघर्षों के ताजा दौर की शुरुआत कर सकते हैं। दक्षिण एशिया में विभिन्न समुदाय द्वारा एक दूसरे के खिलाफ लंबे समय से मन में रखी पुरानी शिकायतों के उदाहरण हमारे पास हैं, जैसे 1947 में भारत के विभाजन के दौरान
भड़की हिंसा से उपजी शिकायतें आज भी हम लोग देखते हैं। न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति प्रकट शिकायतों और संघर्षों के कारणों को साफ साफ व्यक्त करने और बातचीत द्वारा हल करने के जरिए ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्याओं का हल करने के वर्तमान प्रयासों में हम तबके के लोगों को हर तबके के लोगों के बीच अधिक संपर्क को प्रोत्साहन करना भी शामिल है। हिंसा की समाप्ति की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनिसेफ के संविधान ने उचित ही टिप्पणी की है। याद रखिए जो भी आपके अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर चाहे राष्ट्रीय संगठनों इनके बारे में भी हम लोग बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट की सूची में जाइए, महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कई बार। जैसे एमपीपीएससी हो गया, यहाँ 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उन्हें भी आप लोग बड़े अच्छे से देख लीजिए। चूंकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के बचाव भी लोगों के दिमाग में ही बचे जाने चाहिए। इस तरह के प्रयास के लिए करुणा जैसे अनेक पुरातन आध्यात्मिक सिद्धांत और ध्यान जैसे अभ्यास बिल्कुल उपयुक्त हैं। आधुनिक निरोगकारी तकनीक और मनोविश्लेषण जैसी चिकित्सा पद्धतियां भी यह काम कर सकती हैं। अब आप सोचिए, आपके ही दिमाग में तो आते हैं किसी से लड़ाई लड़ने की बात, और आपके ही दिमाग में आती है कि हम शांत बैठे, तो इसी की बात है, ठीक है। और हमने गौर किया है कि हिंसा का आरंभ महज किसी व्यक्ति के दिमाग में नहीं होता है, इसकी जड़ें कतिपय सामाजिक संरचनाओं में भी होती हैं, यानी कि समाज में। न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की रचना संरचनात्मक हिंसा को निर्मूल करने के लिए अनिवार्य है। शांति जैसे संतुष्ट लोगों की समरस सह अस्तित्व के रूप में समझा जाता है, ऐसे ही समाज की उपज हो सकती है। शांति एक बार में हमेशा के लिए हासिल नहीं की जा सकती है। शांति कोई अंतिम स्थिति नहीं बल्कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापकतम अर्थों में मानव कल्याण की स्थापना के लिए जरूरी नैतिक और भौतिक संसाधनों के सक्रिय क्रियाकलाप शामिल होते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले कुछ लोगों के नाम लिखिए, इनमें से किसी एक पर टिप्पणी भी करिए। और आप देखिए, हम लोगों ने बात भी की हुई है, आपके कैलाश सत्यार्थी के बारे में भी बात की हुई है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के बारे में, इन लोगों को आपने देखा है शांति के क्षेत्र में एक तरह से नोबेल पुरस्कार भी मिले हुए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को तो आप देखिए सबसे पहले हमारे देश में उन्हीं को मिला हुआ था गीतांजलि के लिए, ठीक है। इनके बारे में आप सर्च करते रहिए, वैसे भी इनकी बायोग्राफी हम लोग कवर कर चुके हैं, तो उन्हें भी आप लोग देखिए। सबकी बायोग्राफी आपकी देखिए, महावीर स्वामी, फिर चाहे बुद्ध भगवान हो, फिर चाहे आपके सिकंदर हो, चाणक्य हो, वहां से लेकर आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, सबको देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है, यानी कि कहने का मतलब कि हिंसा के द्वारा शांति मिल सकती या उससे पाया जा सकता है। अक्सर यह दावा किया जाता है कि हिंसा एक बुराई है, लेकिन कभी कभी यह शांति लाने की अपरिहार्य पूर्व शर्त जैसी होती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि तानाशाहों और पीड़कों को जबरन हटाकर ही उनको जनता को निरंतर नुकसान पहुंचाने से रोका जा सकता है, या फिर उत्पीड़ित लोगों की मुक्ति संघर्षों को हिंसा के कुछ इस्तेमाल के बावजूद न्यायपूर्ण ठहराया जा सकता है, लेकिन अच्छे मकसद से भी हिंसा का सहारा लेना आत्मघाती हो सकता है। एक बार शुरू हो जाने पर इसकी प्रवृत्ति नियंत्रण से बाहर हो जाने की होती है, और इसके कारण यह अपने पीछे मौत और बर्बादी की एक श्रृंखला छोड़ जाती है। अब जम्मू कश्मीर का उदाहरण आप लोग देखिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप समझिए कि अगर हम वहाँ जो भी इस तरह के संगठन है, जो इस तरह के व्यक्ति हैं जो नफरत फैलाते हो, इस तरह की बात देश की अगर एकता अखंडता या फिर नुकसान शांति भंग करने की बात करते हो, उनके साथ क्या हिंसा यानी कि बुरा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। तो याद रखिए, मारपीट कर भी शांति को स्थापित किया जा सकता है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब आप कहें कि हाथ जोड़ के उनसे कहें कि आतंकवादी आए, और उनसे कहें हाथ जोड़ के आप चले जाइए, वो जाएंगे क्या? वहां आपको जो एक तरह से हिंसा की होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। शांतिवादी का मकसद लड़ाकुओं की क्षमता को कम करके आंकना नहीं है, प्रतिरोध के अहिंसक स्वरूप पर बल देना है। वैसे संघर्षों का एक प्रमुख तरीका सविनय, अयोग्या और उत्पीड़न की संरचना की नींव हिलाने में इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल होता रहा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग एक प्रमुख उदाहरण है। गांधी जी ने न्याय को अपना आधार बनाया और विलायती शासकों के अंतःकरण को आवाज दी। जब उसके काम नहीं चला तो उन पर नैतिक और राजनीतिक दबाव बनाने के लिए उन्होंने जन आंदोलन भी आरंभ किया, जिसमें अनुसूचित कानूनों को अहिंसक ढंग से खुलेआम तोड़ना शामिल था, और उनसे प्रेरणा लेकर मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में काले लोगों के साथ भेदभाव के खिलाफ 1960 में इसी तरह का संघर्ष शुरू हुआ है।
शुरू किया था। देखिए ये चाहे आपके मार्टिन लूथर साहब हों, ये चाहे आपके देखिए सांसुकी हों यहाँ के म्यांमार, फिर चाहे आपके नेल्सन मंडेला हों अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, इन सब ने अहिंसा का रास्ता अपनाया और महात्मा गांधी के रास्तों पर एक तरह से चले ये लोग। ठीक है, तो महात्मा गांधी का काफी योगदान है। आप लोग देखिए, अभी कुछ समय पहले आपने देखा है कि महात्मा गांधी यानी कि जयंती थी उनकी, तो कई लोग उनके बारे में उल्टा सीधा लिख रहे थे, कई अच्छा भी लिख रहे थे। तो मुझे लगता है जो उल्टा सीधा लिखते हैं वो फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया से उनके बारे में जानते हैं। अगर आप उनके बारे में इतिहास पढ़ते हैं और उनके बारे में उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आप नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया। कहते हैं 1947 में जो बंटवारा हुआ पाकिस्तान भारत का, उन्हीं का योगदान था, उन्हीं की देन थी। जो परिस्थिति उस समय बनी हुई थी उसी को उससे देखते हुए यही एक तरह से निर्णय उचित भी था। आप समझिए कि एक परिवार में आप 3 से 4 भाई रहते हैं, डेली उनमें लड़ाई हो रही है, मारकाट हो रही है, तो बाप क्या चाहेगा कि अलग अलग हो जाइए, तभी शांति बनी रह सकती है। तो वहां भी यही देखा जा रहा था कि हजारों लोग मारे जा रहे थे, 1947 की बात कर रहा हूं। तो उस समय बंटवारा ही एक अंतिम निर्णय था, अंतिम एक तरह से आप कहिए कि समाधान था उसका। और मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु साहब का योगदान नहीं है, उनका भी योगदान है और महात्मा गांधी का भी योगदान है। तो जब भी आंसर राइटिंग आप लोग लिख रहे हो तो बड़ा बैलेंस बनाकर लिखा करिएगा ना, तो आप नकारात्मक तथ्य लिख दिया करिएगा ना ही एकाएक पॉजिटिव, आपको बड़ा बैलेंस बना के लिखना है। ठीक है, आपको फेसबुक व्हाट्सएप की दुनिया में से दूर रहना है बहुत बहुत। फिर फेसबुक व्हाट्सएप पर एक नफरत फैलाने वाले कंटेंट होते हैं जिनका सच से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो उन्हें देखते रहिए अपने। नागरिक अवज्ञा, अयोग्या के दबाव में अन्यायपूर्ण संरचनाएं भी रास्ता दे सकती हैं, कभी कभार है भी अपनी विसंगतियों के बोझ में से ध्वस्त भी हो सकती हैं। निरंकुश सोवियत व्यवस्था का विघटन इसका ताजा उदाहरण है, पर ऐसे सुखद नतीजे की गारंटी सभी मामलों में नहीं हो सकती है। हिंसा की सहायता लेने का लालच तब अपरिहार्य हो जाता है, यह भी उचित पूर्ण शांति की खोज में अंतर्निहित विकट स्थिति का ही अंग होता है। यहाँ भी कुछ दिया गया, ऐसे भी देख लीजिए। कंबोडिया में खमेर रूज का शासन क्रांतिकारी हिंसा के नुकसानदेह हो जाने की प्रकृति का दिल दहलाने वाला बहुत ही खास उदाहरण था। यह शासन पॉल पॉट के नेतृत्व में हुई बगावत का नतीजा था, जिसमें उत्पीड़ित खेतिहारों की मुक्ति के लिए तत्पर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना का प्रयास किया गया और इसे 1975 से 1989 तक कंबोडिया में आतंक का राज कायम कर दिया, जिसमें लगभग लगभग आप देखेंगे 17 लाख लोग अर्थात देश की आबादी के 21% लोग मारे गए। यह पिछली शताब्दी की एक अत्यंत कष्टप्रद मानवीय त्रासदी है। आप समझिए कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 21 लोग मारे गए, इतनी भयानक त्रासदी थी। हो सकता है कि वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अतिवादी आंदोलनों द्वारा व्यवस्थित हिंसा के प्रयोग का ऐसा ही नाटकीय और दहला देने वाला परिणाम शायद हमेशा नहीं हो, पर इस प्रक्रिया में यह प्रयास संस्थागत रूप धारण करता है और अपने परिणाम स्वरूप बनी राजनीतिक व्यवस्था का पूर्ण अंग बन जाता है। ऐसा ही मामला नेशनल लिबरेशन फ्रंट का है, जिसने हिंसात्मक साधनों का इस्तेमाल कर अल्जीरिया के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और उसने अपने देश को फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों के बोझ से 1962 में मुक्त कराया, लेकिन उसके शासन का जल्द ही निरंकुशवाद में पतन हो गया। इसी प्रतिक्रिया वहां इस्लामी रूढ़िवाद के उभार के रूप में हुई है। यही कारण है कि जिसके चलते शांति को सर्वोच्च मूल मानने वाले शांतिवादी किसी न्यायपूर्ण संघर्ष में हिंसा के इस्तेमाल के खिलाफ नैतिक रूप से खड़े होते हैं, वे भी उत्पीड़न से लड़ने की जरूरत को स्वीकार करते हैं, हालांकि वे उत्पीड़नकारियों का दिल दिमाग जीतने के लिए प्रेम और सत्य को बढ़ावा देने की वकालत करते हैं। गांधी जी की जैसी विचारधारा कि वो कहते थे एक गाल पर थप्पड़ मारा दूसरा भी कर दो, और आज के समय में आप लोग उससे बिल्कुल उलट चुके हैं। और याद रखिए उस समय की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग थी। उस समय अगर आपने एक थप्पड़ मार भी दिया और दूसरा उसने सामने वाले ने कर दिया तो आप रात में जाके सोचते थे और आपकी आत्मा एक तरह से आपके विरुद्ध होती थी। आज आप देखिए, आप किसी को गाली देते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं, धोखा देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, फिर भी आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा कुछ नहीं कहती है। आपको टाइम ही नहीं है अंतरात्मा या इस तरह की आवाजें सुनने की। तो उस समय की परिस्थिति अलग थी, उस समय भरोसा हुआ करता था।
कहते हैं कि आप सोचिए कि भरोसा इतना तगड़ा हुआ करता था कि एक हिंदू मुस्लिमों का देखिए किसी का वहां भेदभाव नहीं था, एक दूसरे के लिए जान भी दे देते दे दोस्ती में। और आज की बात देख लीजिए, आपको थोड़ा लालच मिलता है, छोड़िए जो साथ फेरे भी लेते हैं वो भी एक अलग हो जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। सात फेरों, मैं एक दिन पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अजीब लगा कि सात फेरों का मतलब क्या रहता है, ये क्यों पढ़ाया जाता है। तो मैं कहीं पढ़ रहा था, मैंने सर्च किया और पढ़ा, तो मतलब आप सोचिए कि एक तरह से एक दूसरे से रहने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए पूरी प्रक्रिया मतलब समझाया जा रहा है, उसके बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं। खैर छोड़िए, ये अलग बात है, चलने रहिए। शांति और राजसत्ता की बात करें तो अक्सर तर्क दिया जाता है कि हर राज्य अपने को पूर्णतः स्वतंत्र और सर्वोच्च इकाई के रूप में देखता है। इससे अपने हितों को केवल अपने नजरिए से देखने और हालात में अपने हितों को बचाने और बढ़ाने की प्रवृत्ति जन्म लेती है। शांति का अनुसरण करने के लिए जरूरी होता है कि हम स्वयं को बेहतर मानवता के एक हिस्से के रूप में देखें, लेकिन इससे अलग राज्यों में लोगों में फर्क करके अमन कायम करने का तरीका हिंसा के जिम्मेदार लोगों को सजा देना है। नहीं मुन्नी, हिंसा रोकने के लिए भी हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हमें स्थायी शांति केवल शांतिपूर्ण तरीकों पर जोर देकर ही ला सकते हैं। तुम तो शांति के दूत ही की तरह बोल रहे हो, क्या तुम अपने छोटे भाइयों के साथ भी इस तरह की शांति दूत शांतिपूर्ण तरीके अपनाते हो या वहां भी? वहां नहीं। एक बात और याद रखिए, आप लोग देखते हैं कि शॉर्ट नोट्स पर आप लोग ध्यान देते हैं, ये एनसीईआरटी के जो शॉर्ट नोट्स दे रहा होता है उन्हें पढ़ के आप लोग चले जाते हैं। मेरा मानना ऐसा है, मैं हमेशा बार बार दोहरा रहा हूं इस बात को, कि आप लोग किसी भी बुक्स को, एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी बुक्स हो स्पेशल, उसे कम से कम एक से दो बार आप लोग पढ़ तो लीजिए, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और पढ़ते रहिए। अब आपको ये चित्र दिखाई थोड़ी देंगे जब आप शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। और याद रखिए, शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब होता है कि कोई इस ये देखते हुए बनाता है कि उसे क्या आता है क्या नहीं आता है। मैं बार बार कह चुका हूं आप लोगों से कि मान लीजिए मुझे किसी टॉपिक पर नोट्स बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि मुझे जो फैक्ट उसमें आते हैं मैं उन्हें शामिल नहीं करूंगा बिल्कुल भी, जो मुझे याद नहीं रहते हैं तो उन्हें मैं शामिल करूंगा, और जब परीक्षा देने जा रहा हो तब उस समय मैं क्या करूंगा कि उन्हें रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हैं। तो इसलिए अपने नोट्स बनाइए और अपने नोट से पढ़िए, और जब आप एनसीईआरटी को एक से दो बार पढ़ लेंगे या किसी भी बुक्स को, तो अपने आप समझ जाएंगे कि आपको कहाँ से नोट्स, कौन से फैक्ट आपको रखने हैं कौन से नहीं रखने हैं। इसके लिए एक उपाय और कर सकते हैं आप लोग, कि आप लोग कम से कम 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, फिर चाहे आपके प्रीलिम्स के हों या मैथ्स के हों या फिर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, तो इससे क्या रहता है, एक अंदाजा लग जाता है आपको कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब एक अंदाजा बना रहता है। यहां भी आप देखेंगे अहिंसा के बारे में गांधी जी के विचार को भी, और याद रखिए इन्हें भी इस तरह के जो भी विचार रहते हैं किसी भी व्यक्ति के, उन्हें भी आप लोग याद रखा करिएगा। जब भी आंसर लिख रहे हैं आप लोग तो इन्हें शामिल करते हैं तो एक प्रभावकारी आंसर हो जाता है, और आपको मतलब जो चेक करता है कॉपी उसके दिमाग पर भी एक तरह से आपकी अच्छी सहूलियत रहेगी और नंबर भी बढ़ जाएंगे। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, कहावत आपने सुनी ही होगी, असहायता को हिंसा और अहिंसा, अहिंसा और अहिंसा को गांधी के समतुल्य बताने की प्रवृत्ति ने कुछ लोगों को ऐसा कहने का मौका दिया। इस हल्की टिप्पणी का आधार दूर दूर तक फैला यह विचार है कि अहिंसा कमजोरों का रास्ता है। गांधी जी ने बार बार कहा है कि इस विचार के लोग अहिंसा और उसके उनके दर्शन को समझते ही नहीं है। हम आमतौर पर यह समझते हैं कि अहिंसा का चोट करना नहीं है, अहिंसा कार उसे माना जाता है जो शारीरिक घाव नहीं करते, और गांधी जी ने इस अर्थ को दो मूलभूत तरीकों से बदल दिया है। उनके लिए अहिंसा का अर्थ है कि शारीरिक चोट, मानसिक चोट या फिर आजीविका की क्षति से बाज आना भर नहीं है, इसका अर्थ किसी को नुकसान पहुंचाने के विचार तक को छोड़ देना है। उनके लिए हिंसा का नियमित होने का अर्थ स्वयं चोट करना नहीं होता है। गांधी जी का मानना था कि यदि मैंने किसी को हानि पहुंचाने में किसी अन्य की सहायता की अथवा किसी हानिकारक कार्य से लाभान्वित हुआ तो मैं हिंसा का दोषी होऊंगा। और इस अर्थ में हिंसा के बारे में उनके विचार संरचनात्मक हिंसा की निशानदेही करते थे। गांधी जी ने दूसरा प्रमुख परिवर्तन अहिंसा के विचार को सकारात्मक अर्थ देकर किया है। किसी की हानि नहीं करना पर्याप्त नहीं है, अहिंसा को सजग संवेदना के माहौल की अपेक्षा होती है। गांधी जी निष्क्रिय आध्यात्मिकता के विरोधी थे, उनके लिए अहिंसा का मतलब कल्याण और अच्छाई का सकारात्मक और सक्रिय क्रियाकलाप है। इसलिए लोग
जो लोग अहिंसा का प्रयोग करते हैं और उनके लिए आवश्यक है कि अत्यंत गंभीर उकसावे की स्थिति में भी शारीरिक मानसिक संयम रखने का अभ्यास करें, और अहिंसा अतिशय सक्रिय शक्ति है जिसमें कायरता और कमजोरी का कोई स्थान नहीं है। वास्तव में गांधी जी तो इस सीमा तक कहे गए कि अगर हिंसा किसी को का बचाव करने के लिए के मामले में पर्याप्त हो तो उसके नाम पर निष्क्रियता की शरण में जाने के बजाय हिंसा का सहारा लेना बेहतर होगा। कुछ गांधीवादी कहते हैं कि प्रारंभ में योद्धित कहावत को बदलकर मजबूती का नाम महात्मा गांधी कर देना चाहिए। और एक बात और याद रखिए, हिंसा के रास्ते पर चलकर आप, हो सकता है कि हाल में आप सफलता पा लें, लेकिन लंबी अगर उसकी यात्रा की बात करें तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। एक आपके पास होता है कि 100 रास्ता होता है जिसमें क्या कहते हैं आप ऊंचाई पर जा सकते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रह सकता। 1857 की समय जाइए आप लोग कि समझिए, उस समय सिंधिया की बात लीजिए। सिंधिया ने अपना राज्य बचाने के लिए महात्मा रानी लक्ष्मीबाई की बलिदान नहीं, मतलब उन्हें मरवा दिया एक तरह से। उस समय तो उन्हें फायदा मिल गया, क्या आज फायदा है? क्या आने वाला इतिहास फायदा देखेगा? आज भी आप इतिहास की कोई स्पेशल बुक्स पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि सिंधिया गद्दार था। क्या ये गद्दार शब्द हमेशा रहेगा? आप समझिए कि इतिहास, मुझे लगता है कि धरती यानी कि मानव जब तक रहेगा तब तक ये शब्द बना रहेगा। इसीलिए आप देखिए, हो सकता है कि आप कहीं भी हिंसा करके कुछ पा सकते हैं, लेकिन उसका आगे का परिणाम क्या होगा उसे भी हमें देखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा आजकल हर राज्य ने बल प्रयोग के अपने उपकरणों को मजबूत किया है। हालांकि राज्य से अपेक्षा यह थी कि वह सेना या पुलिस का प्रयोग अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए करेगा, लेकिन व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग अपने ही नागरिकों के विरुद्ध स्वयं को दबाने के लिए किया जा सकता है। विश्व में अलग अलग संप्रभु राष्ट्रों में विभाजित, इससे शांति के रास्ते में अवरोध उत्पन्न होते हैं या निरंकुश शासन और म्यांमार जैसे सैनिक तानाशाही में सबसे अधिक स्पष्ट दिखता है। और याद रखिए हमेशा कि ऐसा नहीं कि आप सोचें कि क्या होगा, जो भी सेनाएं ये बनाई गई थी ये क्या किस लिए बनाई गई थी, एक तरह से आपकी मदद के लिए, या जो एक तरह से ये संप्रदाय तत्व थे या आप शांति भंग करने वाले तत्व थे इन्हें दबाने के लिए। लेकिन आजकल अलग देखा जाता है कि आप सरकार क्या कहती है। उत्तर प्रदेश में आपने कुछ समय पहले देखा भी होगा ये कि वहां किस तरह से आवाज दबाई जा रही थी, और कई राज्यों में आप देखेंगे इसे तो दुरुपयोग भी देखने को आपको मिलता है। इसका क्या मिलता है? दुरुपयोग भी देखने को मिलता है। समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान सार्थक लोकतंत्रीकरण और अधिक नागरिक आजादी की एक कारगर पद्धति है। इसके माध्यम से राजसत्ता को ज्यादा जवाबदेह बनाया जा सकता है। और रंगभेद के खात्मे के बाद दक्षिण अफ्रीका में यह तरीका अपनाया गया, जो हाल के वर्षों में राजनीतिक सफलता का एक प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार लोकतंत्र एवं मानव अधिकारों के लिए संघर्ष और शांति की सुरक्षित बने रहने के बीच घनिष्ठ संबंध भी है। इसीलिए आप तो देखते हैं कि मानव अधिकार के लिए हमारे देश में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देखने को मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको देखने को मिलेगा मानव अधिकार परिषद। एक तरह से शांति को स्थापित करने के लिए ही बनाए गए, इनका उद्देश्य यही होता है। एक मरमभेदी असमंजस यह है कि अंतरराष्ट्रीय फलक पर कई बार कोई कुछ राष्ट्र अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हिंसात्मक साधनों का इस्तेमाल करती है, खासकर किसी भूक्षेत्र अथवा प्राकृतिक संसाधनों को हथियाने में। इसके परिणाम स्वरूप होने वाला विवाद घमासानी युद्ध में बदल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि 1990 में इराक ने अपने छोटे से पड़ोसी देश कुवैत पर धावा बोला। उसने हमले को न्यायोचित बताते हुए दावा किया कि कुवैती क्षेत्र इराकी भूखंड था जिसने औपनिवेशिक शासकों ने मनमाने ढंग से अलग कर दिया था, और उसने आरोप लगाया कि कुवैत उसके तेल भंडारों में तिरछी खुदाई कर रहा है। आक्रमणकारियों को अंततः अमेरिका के नेतृत्व में साझा सैनिक अभियान द्वारा खदेड़ा गया। एक समर्थ विश्व सरकार के ना होने की स्थिति में इस प्रकार की विवाद की आशंका का हर समय मौजूद रहना संभव है। हथियार उद्योग जैसे जैसे निहित स्वार्थों ने इसे तीव्र कर दिया है। हथियार उद्योगों के लिए युद्ध लाभदायक स्थिति में है। हम अपने पड़ोसी में भी तो देख सकते हैं, पाकिस्तान को ले लीजिए। पाकिस्तान आज भी मान के बैठा हुआ कि जूनागढ़ उसका है। अभी कुछ ही समय पहले उसने एक मैप से जारी किया था। नेपाल को देख लीजिए आप लोग, फिर चाहे आप चाइना को देख लीजिए, माफ करिए चाइना को देख लीजिए। हाँ, आप देखेंगे चाइना की सीमा जितने भी देशों से लगती है सबसे उसका सीमा विवाद चल रहा है।
हम भी देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, सिक्किम की स्थिति देख लीजिए, या फिर आप लद्दाख की स्थिति, जम्मू कश्मीर में लद्दाख की स्थिति देख लीजिए। तो इसकी भी स्थिति यही है कि लोग अपनी जमीन की बात करते रहते हैं। एक समय आप देखेंगे जो स्थिति अंग्रेजों की थी ना, हड़पने की और विस्तार करने की, वही आज चाइना भी अपना रहा है। शांति कायम करने के विभिन्न तरीके की बात करें हम लोग, तो शांति स्थापित करने और बनाए रखने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाई गई हैं। इन रणनीतियों को आकार देने में तीन प्रमुख दृष्टिकोणों कोनों ने मदद पहुंचाई है। पहला तरीका राष्ट्र को केंद्रीय स्थान देता है और उनकी संप्रभुता का आदर करना करता है, और उनकी बीच प्रतिद्वंद्विता को जीवंत सत्य मानता है, और उनकी मुख्य चिंता प्रतिद्वंद्विता के उपयुक्त प्रबंधन तथा संघर्ष की आशंका का समन सत्ता संतुलन की पारस्परिक व्यवस्था के माध्यम से करनी होती है। कहा जाता है कि वैसा एक संतुलन 19वीं सदी में प्रचलित था, जब प्रमुख यूरोपीय देशों ने संभावित आक्रमण को रोकने और बड़े पैमाने पर युद्ध से बचने के लिए अपने सत्ता संघर्षों में गठबंधन बनाते हुए तालमेल किया। दूसरा तरीके की बात करें तो राष्ट्रों की गहराई तक जमी आपसी प्रतिद्वंद्विता की प्रकृति को स्वीकार करता है, लेकिन लेकिन इसका जोर सकारात्मक उपस्थिति और परस्पर निर्भरता की संभावनाओं पर है। यह विभिन्न देशों के बीच विकासमान सामाजिक आर्थिक सहयोग को रेखांकित करता है। अपेक्षा रहती है कि वैसे सहयोग राष्ट्र की संप्रभुता को नरम करेंगे और अंतरराष्ट्रीय समझदारी को प्रोत्साहित करेंगे। परिणाम स्वरूप वैश्विक संघर्ष कम होंगे, जिससे शांति की बेहतर संभावनाएं भी बनेगी। इस पद्धति के पैरोकार द्वारा अक्सर दिया जाने वाला एक उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की यूरोप का है, जो आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण की ओर बढ़ता गया है। 1945 के समय की बात कर रहा हूं। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका और चंपारण में किए गए सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह की पद्धति पर सामग्री इकट्ठित करें, यदि संभव हो तो एक गिरिराज किशोर का उपन्यास पहला गिरमिटिया पढ़ो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में जानकारी खोजो, या गांधी से किस प्रकार पीड़ित रहते। याद रखिए, नेल्सन मंडेला साहब, फिर चाहे आपके मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी हो, गांधी जी हो, ये ऐसे लोग हैं कि इनके बारे में क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछे जाए, लेकिन इनकी विचारधारा में डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो इनके बारे में कुछ मुझे लगता है पढ़ लेना चाहिए आप लोगों को। जब भी आपके पास टाइम रहता है तो आप इनकी बायोग्राफी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? कम से कम महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद की तो आप लोग पढ़ लीजिए, कम से कम इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे लगता है। तो जब भी टाइम मिले, मैं यही कहता हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है तो भी पढ़ते रहिए, लेकिन वैसे याद रखिए 24 घंटा रहते हैं, उनमें से मान लीजिए कि आप पढ़ने वाले हैं 18 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटे इसके लिए भी निकाल लिया करिएगा और धीरे धीरे खत्म कर लिया करिएगा, ठीक है? पहली दो पद्धतियों से भिन्न तीसरी पद्धति राष्ट्र आधारित व्यवस्था को मानव इतिहास की समाप्त पर्यावस्था मानती है, या अधिराष्ट्रीय अवस्था व्यवस्था का मनोचित बनाती है, और वैश्विक समुदाय के अभ्युदय को शांति की विश्वसनीय गारंटी मानती है। वैसे समुदाय के बीच राष्ट्रों की सीमाओं के आर पार बढ़ती आपसी अंतर क्रियाओं और संयमों में दिखते हैं, जिसमें बहुराष्ट्रीय निगम और जन आंदोलन जैसे विविध गैर सरकारी कर्ता शामिल हैं। इस तरीके के प्रस्तावों को समर्थक तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण की चालू प्रक्रिया राष्ट्रों की पहले से ही घट गई प्रधानता और संप्रभुता को और अधिक क्षीण कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व शांति कायम होने की परिस्थिति तैयार हो रही है। यह भी कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र तीनों की पद्धतियों के प्रमुख तथ्यों को साकार कर सकता है। सुरक्षा परिषद जो स्थायी सदस्यता 5 प्रमुख राष्ट्रों को निषाधिकार देता है। निषाधिकार कहने का मतलब ये है सीधा सा कि आप समझिए कि जैसे 5 देश कौन कौन से हैं, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, फ्रांस और आपका चाइना, ठीक है? इसमें क्या रहता है कि आप समझिए कि अगर 5 मान लीजिए 5 लोग हैं, कोई प्रस्ताव आया, उसमें से अगर एक भी इसके विपक्ष में हुआ तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। यानी कि किसी भी प्रस्ताव को पास करवाने के लिए आप लोगों को 5 ही लोग 5ों लोगों की सहमति होनी आवश्यक है, और ऐसा देखा जाता है अक्सर कि एक ना एक देश इसके विपक्ष में खड़ा हो जाता है, वो प्रस्ताव लटक जाता है। ऐसा होना चाहिए था, मैं भी मानता हूं कि कम से कम बहुमत की बात तो करनी चाहिए थी कि मान लीजिए 2 देश किसी के पक्ष में है और 3 किसी के विपक्ष में है, तब उसको पास नहीं करना चाहिए था, लेकिन 4 देश पक्ष में 1 देश विपक्ष में तब भी आप उसे पास नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में सुधार की बात की जाती है और भारत इसकी एक तरह से सुधार की भी बात कर रहा है। आप लोगों को नीचे लिखना है कि भारत सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने बार बन चुका है
और हाल ही में बना है, किन किन सालों के लिए बना है उसे भी आप लोग बताइएगा। सबसे पहले कब बना था उसे भी लिखिए आप लोग। इतना सर्च करिए आप लोग गूगल पर, आपके पास गूगल मास्टर है ना। अन्य सदस्यों द्वारा समर्पित प्रस्ताव को भी गिरा देने का अधिकार होता है। पिछले अंतरराष्ट्रीय श्रेणीबद्धता को ही व्यक्त करता है। आर्थिक सामाजिक परिषद अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है। मानव अधिकार आयोग अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का आकार देना और लागू करना चाहता है। अगर समकालीन चुनौतियां यानी कि अभी की चुनौतियों की बात करें तो हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन शांति के प्रति खतरों को रोकने और समाप्त करने में वह सफल नहीं हुआ है। इसके बजाय दबंग तो राष्ट्रों ने अपनी संप्रभुता का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन किया है और क्षेत्रीय सत्ता संरचना या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भी अपनी प्राथमिकताओं और धारणाओं के आधार पर बदलना चाह। इसके लिए उन्होंने सीधे सैनिक कार्यवाही का भी सहारा लिया है और विदेशी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। ऐसे आचरण का ज्वलंत उदाहरण अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका का ताजा हस्तक्षेप है। इससे उभरे युद्ध में बहुत ही सी जाने भी कई है। एक बात और याद रखिए आप लोग कि जो भी ये आपके अंतर्राष्ट्रीय हो फिर चाहे राष्ट्रीय संगठन हो, इसमें जो शक्तिशाली देश होते हैं उनका पक्ष लिया जाता है। WHO का देखिए आप लोग, फिर चाहे UN का देखिए, अमेरिका और चीन कुछ खास देशों के पक्ष में रहता है क्योंकि सबसे ज्यादा फंडिंग भी यही देश करते हैं। आप अपने देश में देखिए CBI हो फिर चाहे आपका कोई भी केंद्रीय एजेंसी हो, जब केंद्र में जिसकी सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है तो उसके पक्ष में ये रहती है। डायरेक्ट ना दिखता हो आपको लेकिन इनडायरेक्ट आपको दिखाई देगा कि ये उनके पक्ष में झुकाव रहेगा। किसी भी की सरकार आया गया, दूसरी की सरकार आती है तो उसके पक्ष में भी ये करने लगते हैं। और आपने देखा होगा कि समय समय पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस तरह के दुरुपयोग भी होते रहते हैं विपक्ष के द्वारा, विपक्ष पे कभी कभी, और फिर वो विपक्ष जब पक्ष में आता है तो इस विपक्ष पर करता है, इस तरह से चलती रहती है। ठीक है, आतंकवाद के उदय का एक कारण आक्रामक राष्ट्रों का स्वार्थपूर्ण आचरण भी है। प्राआधुनिक हथियारों और उन्नत तकनीक का दक्ष और निर्मम प्रयोग करके आतंकवादी इन दिनों शांति के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। और 11 सितंबर 2001 को इस्लामी आतंकवादियों द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क विश्व व्यापार केंद्र का ध्वस्त किया जाना इस अमंगलकारी वास्तविकता की उल्लेखनीय अभिव्यक्ति है। और इन ताकतों द्वारा अति विध्वंसक जैविक रासायनिक या परमाणविक हथियारों के इस्तेमाल की आशंका दहला देने वाली है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस की बात की गई तो चाइना पर उसका ब्लेम किया गया, कहा गया कि चाइना ने एक उस कोरोना वायरस को बनाया और देश दुनिया में फैला दिया है। देखिए ऐसा हो भी सकता है, आप समझिए कि कोई इस तरह का वायरस पैदा करे और पूरी दुनिया को खत्म कर दे, तो ये भी बना हुआ है। अब तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस धरती को भी कई बार खत्म किया जा सकता है, इतने हथियार हमारे पास हो चुके हैं, परमाणु आणविक हथियार। ठीक है, और याद रखिए 11 सितंबर 2001 के पहले अमेरिका मानता नहीं था कि आतंकवादी जैसे कुछ समूह होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अपने आप पर समस्या आती है तब मालूम चलता है कि असल में ये समस्या भी होती है। और याद रखिए आतंकवाद को अफगानिस्तान पाकिस्तान की अगर बात करें तो अमेरिका की ही देन है एक तरह से, इन्हें अपने मतलब के लिए इन्होंने क्या किया, उन्हें बनाया, खड़ा किया, उन्हें हथियार दिए। एक तरह से इसे अपने आप में ले सकते हैं कि हमारे देश में नेता क्या करते हैं कि गुंडों को पैदा करते हैं। मुझे लगता है कि मूवियां कुछ हद तक सही भी दिखाती हैं कि आप देखते हैं कि पहले क्या हुआ था, कि हुआ करता था कि नेता की मदद के लिए गुंडे हमेशा तत्पर रहते हैं, पोलिंग बूथ के लिए हो, फिर वोट जबरदस्ती करवाना हो, मारपीट करवाना, काटपीट करवाना हो। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि वही गुंडे क्या कर रहे हैं कि वो भी सोचते हैं, वो भी दिमाग लगाते हैं कि हम किसी नेता को चुन जितवा सकते हैं तो खुद क्यों नहीं बन जाते हैं। और इसी का उदाहरण है कि हमारे देश में लोकसभा हो फिर चाहे आपकी विधानसभा हो, उनमें अधिकतर आपको दागी देखने को मिलेंगे, जो बलात्कारी होंगे, जो हत्यारे होंगे, जो डकैत होंगे, और इसी का परिणाम आप लोग भुगतते हैं। आप लोग क्या भुगतते हैं कि शिक्षा का अभाव देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य देखने की व्यवस्था खस्ता देखने को मिलेगी। मैं कई क्षेत्रों को जानता हूं हमेशा कि वहां के लोगों ने विधायक जी का और या फिर कहें कि संसद साहब का, लोकसभा सदस्य साहब का चेहरा नहीं देखा और फिर भी वोट कर रहे हैं उसके नाम पर। तो हमेशा उस व्यक्ति को चुनिए जो मतलब स्थानीय मुद्दे उठाता हो, जो स्थानीय बात करता हो, केंद्र स्तर पर किसी की भी सरकार हो। आप समझिए प्रधानमंत्री आपके घर आके आपकी सहायता करने के लिए कभी नहीं आएंगे। आपने अगर विधायक निर्दलीय भी चुन लिया है आपके काम के लिए तो कम से कम वो बहुत मदद करता रहेगा आपकी। ठीक है, शांतिवाद। शांतिवाद विचार विवादों को सुलझाने के औजार के बतौर युद्ध या हिंसा की बजाय शांति का उद्देश्य देता है। इसमें विचारों की अनेक छवियां शामिल हैं और इसके दायरे में कूटनीति को अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान करने में प्राथमिकता देने से लेकर
उससे लेकर किसी भी हालत में हिंसा और ताकत के इस्तेमाल के पूर्ण निषेध तक आते हैं। और याद रखिए, हमेशा वाद का मतलब होता है एक खास विचारधारा से। जैसे आप देखते हैं कि गांधीवाद, नेहरूवाद, तो आप समझिए कि गांधी की विचारधारा जो है उसे कहते हैं हम लोग गांधीवादी, और उसके विचारधारा पर जो लोग कहते हैं उन्हें कह देते हैं हम लोग गांधीवादी लोग या फिर राष्ट्रवादी लोग। समझ रहे हैं आप लोग? यही है। शांतिवाद सिद्धांतों पर भी आधारित हो सकता है और व्यवहारिकता पर भी। सिद्धांतिक शांतिवाद का जन्म इस विश्वास से होता है कि युद्ध और सुविचारित घातक हथियार, हिंसा या किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नैतिक रूप से गलत है। व्यवहारिक शांतिवाद ऐसे ऐसी किसी चरम सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। यह मानवता की विचार विवादों के समाधान में युद्ध में से बेहतर तरीके भी हैं, और या फिर यह समझता है कि युद्ध पर लागत ज्यादा आती है, फायदे कम होते हैं। युद्ध से बचने के पक्षकार लोगों के लिए श्वेत कपूत जैसी अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग होता है। शब्द सुलह समझौते के पक्षधरों की सौम्य प्रकृति की ओर इशारा करती है। कुछ लोग सुलह समझौतों के पक्षधरों को शांतिवादी के दर्जे में नहीं रखते हैं, क्योंकि वे कतिपय परिस्थितियों में युद्ध को औचित्यपूर्ण मान सकते हैं। वाद या फिर युद्ध पिपासु लोग कपोत प्रकृति के विपरीत होते हैं। युद्ध का विरोध करने वालों में कुछ शांतिवादी सभी प्रकार की जोर जबरदस्ती, मसलन शारीरिक बल का प्रयोग या संपत्ति की बर्बादी के विरोधी नहीं होते हैं। उदाहरण स्वरूप आप ले सकते हैं कि असैन्यवादी आमतौर पर हिंसा के बजाय आधुनिक तो राष्ट्रराज्यों की सैनिक संस्थाओं के रूप विशेष रूप से विरोधी होते हैं। अन्य शांतिवादी अहिंसा के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, क्योंकि वे सिर्फ अहिंसक कार्रवाई की स्वीकार करने का विश्वास करते हैं। आप सोचिए, इस तरह के टॉपिक में इतना मजा आता है कि भूल जाते हैं कि बैटरी भी लो है। समझ रहे हैं? लैपटॉप की तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी मजा आता होगा। वैश्विक समुदाय धौंस जमाने वाली ताकतों की लोलुपता और आतंकवादियों की गुरिल्ला युक्तियों को रोकने में असफल है। वह अक्सर नस्ल संघार अर्थात किसी समुचे जनसमूह की व्यवस्थित संघार का मूक दर्शक बना रहा है, और यह खास करके रवांडा में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। इस अफ्रीकी देश में 1994 में करीबन 5 लाख तुत्सी लोगों को हूतू लोगों ने मार डाला। हत्याकांड के आरंभ होने के पहले खुफिया जानकारी उपलब्ध होने और इसके भड़कने पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में घटना का विवरण आने के बावजूद कोई अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने रवांडा के खून खराबे को रोकने के लिए शांति अभियान चलाने से इनकार कर दिया। ये आपको स्थिति कहा, आपके पड़ोसी चाइना में भी देख सकते हैं मुस्लिमों के साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता है, या आप देख सकते हैं कि कहाँ पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि हिंदुओं के साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो चुप बैठे रहते हैं। तो इसीलिए प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो जाता है। 1000 काम तुमने सही किए और एक काम आपने गलत कर दिया, तो आपके कम से कम प्रश्न तो लग ही जाएगा आपके काम पर। इसका मतलब यह नहीं है कि शांति का एक चुका हुआ सिद्धांत है। शांति एक चुका हुआ सिद्धांत है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान और कोस्टारिका जैसे देशों ने सैन्य बल नहीं रखने का फैसला किया। विश्व के अनेक हिस्सों में परमाणविक हथियार से मुक्त क्षेत्र बने, और जहां आणविक हथियारों को विकसित और तैनात करने पर एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त समझौते के तहत पाबंदी भी लगी है। आज इस तरह के 6 क्षेत्र हैं जिसमें ऐसा हुआ है या फिर इसकी प्रक्रिया चल रही है। इसका विस्तार आप देखेंगे दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, दक्षिण प्रशांत क्षेत्र, मंगोलिया तक आपको देखने को मिलेगा। सोवियत संघ के 1991 में ब्रिटेन से अति शक्तिशाली देशों के बीच सैनिक प्रतिद्वंदिता, खासकर परमाणविक प्रतिद्वंदिता का परिपूर्ण विराम लग गया और अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए प्रमुख खतरा समाप्ति हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कि सोवियत संघ खत्म हो गया, यानी कि बट गया कई हिस्सों में, और जो दो महाशक्ति हुआ करती थी, एक तरफ आपका सोवियत संघ, दूसरी तरफ अमेरिका, तो अमेरिका ही एक मेन पावर बचा हुआ था उसके बाद। ठीक है, अब चाइना फिर से उभरने लगा है, तो ये भी एक तरह से क्या कह सकते हैं, परेशानी का कारण, चिंता का कारण बना हुआ है। इसके अलावा समकालीन योग शांति को बढ़ावा देने के लक्ष्य को लेकर होने वाली बहुत ही लोकप्रिय पहल कदमियों का साक्षी बना है, और इन सभी को प्रयास शांति आंदोलन कहा जाता है। दोनों विश्व युद्ध के कारण हुए विध्वंस ने इस आंदोलन को प्रेरित किया है। यह तब से जोर पकड़ता गया है और राजनीतिक तथा भौगोलिक अवरोधों के बावजूद दुनिया में बड़े पैमाने पर इसने अनुयायी पैदा किए हैं, और इस आंदोलन को विभिन्न तबके कि लोगों ने बढ़ावा दिया है, जिनमें लेखक हो गए, वैज्ञानिक हो गए, शिक्षक हो गए, पत्रकार हो गए, पुजारी हो गए, राजनेता हो गए, मजदूर हो गए, सभी शामिल हैं। इनका लगातार विस्तार हुआ है
महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण सुरक्षा जैसे अन्य आंदोलन के समर्थकों ने पारस्परिक फायदेमंद जुड़ा होने से यह और अधिक सघन हुआ है, और इस आंदोलन ने शांति अध्ययन ज्ञान की एक नई शाखा का सृजन भी किया है, और इंटरनेट जैसी संप्रेषण के नए माध्यम का कारगर इस्तेमाल भी हो रहा है। महिला सशक्तिकरण की महिलाओं के लिए एक तरह से कई आंदोलन देखते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में भी कई आंदोलन आपते देखते हैं, तो काफी हद तक ये अच्छी बात है। और इंटरनेट के माध्यम से तो आप देखते हैं कि कभी भी आप किसी भी का विरोध कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप, लेकिन इसका कई बार दुरुपयोग भी देखा जाता है। वही है कि आपके पास दो रास्ते हैं, एक गलत एक सही, आपको चुनना खुद है आपको कि कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर होगा। और याद रखिए, चुनने में हमेशा 90 से 95% कह सकते हैं कि गलत रास्ते को ही चुनते हैं लोग, क्योंकि वो उस पर पता नहीं क्यों आकर्षित कर लेता है एक तरह से अपने आप हमें। लास्ट में कह सकते हैं कि इस अध्याय में हमने शांति के विभिन्न पहलुओं और इसके अर्थ और इसके सामने की बौद्धिक और व्यवहारिक चुनौतियों तथा इसके लक्षणों की हकीकत का की है। हमने देखा है कि शांति की क्रियाकलापों में सद्भावनापूर्वक सामाजिक संबंधों के सृजन और संवर्धन की अविचल प्रयास शामिल होते हैं, जो मानव कल्याण और खुशहाली के लिए प्रत्येक प्रेरक होते हैं। शांति के मार्ग में अन्याय से लेकर उपनिवेशवाद तक अनेक अवरोध हैं, लेकिन उन्हें हटाने में बेलाग हिंसा के प्रयोग का लालच अनैतिक और अत्यधिक जोखिमपूर्ण दोनों हैं। नस्ल संघार आतंकवाद पूर्ण युद्ध के युग में जो नागरिक और योद्धा के बीच की रेखा को धूमिल करता है, शांति की खोज राजनीतिक कार्रवाइयों के साधन और साथ दोनों को ही निरूपायित करना चाहता है। और एक बात और हमेशा याद रखिए आप लोग, क्या बात याद रखनी है आप लोगों को, कम से कम मुझे लगता है कि कॉमन सेंस भी तो होता है कुछ। अगर आपसे शांति के लिए पूछना पड़ रहा है, कोई कहीं क्वेश्चन आ जाता है, कहीं इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, या कहीं बहस आप कर रहे हैं, किसी से क्वेश्चन चल रहे हैं इस तरह के, तो वहां भी आप लोग सोच सकते हैं ना अपने आप से कि शांति कहाँ मिलेगी हमें, किस क्षेत्र में आप रहना पसंद करेंगे, क्या खाना पसंद करेंगे, कोई आपके काम में हस्तक्षेप ना करे, वहां शांत रहेंगे या वहां शांत रहेंगे जहां आपकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी आके आपको पीट जा रहा है। अब आप देखिए कि मान लीजिए आपने किसानों की समस्या का टॉपिक नहीं पढ़ा है या आपके क्लास में नहीं पढ़ाया गया है, तो क्या किसानों की समस्या को आप नहीं लिख सकते हैं? आप लोग उस क्षेत्र को, मतलब अपने आप को उस क्षेत्र में रख के देखिए, फिर समस्याओं को आप लोग समझिए कि कहां कहां समस्याएं दिखाई देगी आप लोगों को। तो मुझे लगता है कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसे बड़े अच्छे से अपने आप से जोड़िए, वो अपने आसपास फैली जो भी क्षेत्र है उससे भी आप देख सकते हैं। मैं देखता हूं कि आप, मुझे लगता है कि अगर किसानों की समस्या है, किसानों की अनुभव देखते रहते हैं तो आप बेहतर आंसर लिख सकते हैं, क्लास से भी बेहतर आंसर लिख सकते हैं आप लोग, या किसानों से आप जुड़े हुए हैं, किसान हैं, तभी आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। महिलाओं की स्थिति पर आप देखिए, हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं, सामाजिक समूहों पर आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इनमें अपना भी कुछ कॉमन सेंस लगा लिया करिएगा थोप के। रट्टा अब खत्म हो गया, रट्टे का जमाना, आप 10th 12th नहीं था कि वहां आपने एक बुक्स ली उसे रटा और अंग्रेजी में इंग्लिश में क्या करते थे, वंडर ऑफ साइंस माई हॉबी निबंध रट लिया, वही आ गया, वही छाप के आ गए और पास हो गए। मानता हूं कि 100 में 100 नंबर लाते थे मैथ में आप लोग 10th और 12th में, लेकिन यहाँ वो रटने वाली दूर दूर तक कोई काम नहीं है। वनडे एग्जाम नहीं कि आपने महात्मा गांधी की डेट ऑफ बर्थ रट ली और जब उनकी डेथ हुई तब उसे रट लिया और आया क्वेश्चन लगा के आ गए, यहाँ क्वेश्चन अलग पूछा जाएगा। इसलिए तो बोल रहा हूँ कम से कम 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए आपकी टेबल पर, मुझे लगता है कि सिलेबस और क्वेश्चंस पेपर होना चाहिए। और जब भी आप फ्री हैं तो कम से कम उस पाठ्यक्रम को पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए, जैसे आप लोग हनुमान चालीसा या कोई आप आरती रट लेते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक अगर आप करंट में पढ़ रहे हैं तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा इससे, इस पेपर से जुड़ रहा है, पेपर फर्स्ट से, पेपर सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, अच्छा चाइना भारत के बारे में कुछ लिख के आ रहा है, तुरंत आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ऐसा है। चलिए तो ये शांति वाला टॉपिक खत्म हो गया, लास्ट में एक 10वां टॉपिक बचता है इसका, विकास, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे विस्तार से, ठीक।